यहाँ पे यही है कि बिग बॉस के बाद एलविस यादव अभी किरजीदीप ने रिएक्ट किया एलविस यादव का नेगेटिव पीआर के ऊपर। दरअसल किरजीदीप ने बताया कि एलविस यादव का नेगेटिव पीआर कहाँ से शुरू हुआ एंड क्यों शुरू हुआ। आप देखिए, पिछले 8-10 दिन में मैंने कई सारे मीम पेजेस को एनालाइज किया और उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिसर्च है, उसके साथ शायद तुम लोग भी और एलविस भाई भी एग्री करेंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि बिग बॉस के बाद एलविस यादव अभी ट्रेंड में, और यही रीजन है कि उसको इतने सारे म्यूजिक वीडियो ऑफर हो रहे हैं। अब ऐसे में जब आप ट्रेंड पे हो तो कई सारे इंस्टाग्राम के बड़े मीम पेजेस जब आप पे मीम्स बना रहे हैं, जब इस तरीके के इंटरव्यू वाले क्लिप्स आप पे बनाए जा रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का भी यही सिस्टम है। जैसे यूट्यूबर्स किसी ट्रेंड के पीछे एक साथ भागते हैं, तो जब किसी बड़े मीम पेजेस की कोई मीम किसी बंदे पे वायरल होती है, तो सारे के सारे जो छोटे मीम पेजेस हैं वो अपनी रीच के लिए और फॉलोवर्स के लिए उसी बंदे को टारगेट करते हैं या उसी बंदे पे मीम्स बनाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मीम्स जहाँ पे एल्विस को ट्रोल किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक है, उसके लिए मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने पैसे दिए होंगे। आप इस पॉइंट पे आते हैं, अगर एलविश के पास इतने ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ये जो चीजें है ये फुकरा इंसान करवा रहे हैं, तो या तो उनको उनसे जाके क्लियरली बात करनी चाहिए या पब्लिक में वो प्रूफ्स को डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इनडायरेक्टली टारगेट करना केवल एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है और कुछ भी नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पास्ट में एलविस सिमिलर एलिगेशन ध्रुव राठी के खिलाफ लगा चुका है। अब ये तो कल ध्रुव राठी भी बोल देगा कि भैया एलविस मेरे खिलाफ मीम्स बनवाता है, नेगेटिव पीआर करवा रहा है। और जब आप बिना प्रूफ के इनडायरेक्टली अगर सिर्फ ब्लेम ही करोगे तो दोनों साइड सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है और वो है हेट और टॉक्सिसिटी। बाकी इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।